नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। चंद्रपुर में बाघ के हमले में महिला वनरक्षक की मौत, ताड़ोबा के कोलार वन परिक्षेत्र में घटी घटना। नागपुर के पूर्व महापौर अटल बहादुर सिंह पंचतत्व में विलीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पालक मंत्री नितिन राउत ने दी श्रद्धांजलि। और 22 नवंबर से नागपुर में 30 घंटे का पानी का शटडाउन। और अब खबरें विस्तार से। चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प की एक बड़ी घटना सामने आई है। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में बाघ के हमले में वनरक्षक महिला की मौत हो गई। ये घटना ताड़ोबा के कोलारा वन परिक्षेत्र में घटी। व्याघ्र गणना की पूर्व तैयारी करने के लिए कोर क्षेत्र में गए महिला वनरक्षक पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में महिला वनरक्षक 43 वर्षीय स्वाति ढुमने की मौत हो गई। इस घटना से वन विभाग में खलबली मची है। ताड़ोबा के कोलारा वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 97 व्याघ्र गणना की पूर्व तैयारी करने के लिए महिला वनरक्षक गई थी। इसी बीच बाघ ने उन पर हमला कर दिया। उनके साथ 4 वन मजदूरों ने बाघ को भगाने का प्रयास किया, लेकिन बाघ वनरक्षक को जंगल के अंदर ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव की तलाशी ली। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोलारा वन परिक्षेत्रातील कोलारा निवेश क्षेत्रामध्ये एक अतिशय दुर्दैवी अशी घटना घडलेली आहे। आमची वनरक्षक श्रीमती स्वाती डुमणे व त्यांचे 4 सहकारी आज सकाळी गस्त करत असताना व सोबतच ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशन या एक्सरसाइजमध्ये जो साईन सर्वे असतो तो करत असताना सकाळी साधारणतः 4-4.5 किलोमीटर कोलारा गेट ते 97 कंपार्टमेंटमधील वॉटर होल इथपर्यंत चालत गेल्या। त्यांना समोर साधारणतः 200 मीटरवरती समोर वाघ बसलेला दिसला आणि त्यांनी मार्गामध्ये वाघ बसलेला असल्यामुळे साधारणतः 1/2 तास तिथे वाट बघितली आणि न मागे न फिरता त्यांनी एक वाट काढण्याचा प्रयत्न केला जिथे खरोतर वाट नव्हती आणि त्या दाट जंगल असल्यामुळे त्यांना तिथून बाहेर पडता आलं नाही आणि वाघाला चाहूल लागल्यामुळे अचानकपणे वाघाने त्यांच्यावरती तिथे हल्ला केला आणि अशातच त्यांचा एक दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। शवविच्छेदनासाठी त्यांचे पार्थिवास चिमूर येथे हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलेले आहेत आणि पुढील कारवाई वनविभाग करत आहे। त्यांच्या परिवाराला संपूर्ण मदत करण्याची कारवाईसुद्धा वनविभाग करत आहे आणि जी एक्सरसाइज आपण आजपासून सुरू केलेली होती ती आजपासून आपण तुर्तास स्थगित करत आहोत। परंतु वनविभागाचं जे नियमित काम असतं गस्तीचं आणि बऱ्याचदा ही गस्त ही ऑन फूट आमचे सर्व कर्मचारी करतात तर ती अजूनपर्यंत कर्मचारी करत आहे आणि अशा प्रकारची ही घटना ताडोबाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच घडलेली आहे आणि अशा प्रकारची घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आम्ही सर्वजण कारवाई करत आहोत। नागपुर के पूर्व महापौर सरदार अटल बहादुर सिंह का शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अटल बहादुर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी, मंत्री सुनील केदार, पालक मंत्री नितिन राउत, महापौर दयाशंकर तिवारी समेत सभी दलों के छोटे बड़े नेता पहुंचे हुए थे। सरदार अटल बहादुर सिंह ने नागपुर के सामाजिक राजकीय संस्कृति को एक नया आयाम देने का प्रयास किया। विकास के प्रश्न पर राजकीय मतभेद अलग रखकर वे हमेशा ही काम में अग्रसर रहते थे। विद्यार्थी नेता से समाज के सभी क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने का काम उन्होंने किया। एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में उनका नाम था। आजादी के सभी क्रांतिकारियों के बारे में उन्हें हमेशा से ही अभिमान रहा है। उन्होंने विद्यार्थी नेता रहते समय विश्वविद्यालय के विविध परिसर को शहीदों के नाम दिलाए। वहीं महापौर रहते समय फुले मार्केट में गरीबों के लिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और बिस्मिल्ला खान का कार्यक्रम लिया था। साथ ही ग्राम सेवक के रूप में उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की समस्या भी दूर की। ऐसे महान नेता के निधन से राजनीति गलियारों में शोक की लहर छाई है। शनिवार को अटल बहादुर सिंह का अंतिम संस्कार नागपुर के वैशाली नगर घाट पर किया गया। इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी, मंत्री सुनील केदार, पालक मंत्री नितिन राउत, महापौर दयाशंकर तिवारी समेत सभी पार्टियों के छोटे से बड़े नेता पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अटल बहादुर सिंह के किए गए कार्यों को याद कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। 22 नवंबर सोमवार को कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र का 30 घंटे के लिए शटडाउन किया जा रहा है।
इस जल शुद्धिकरण केंद्र में मरम्मत का काम किया जा रहा है, इसलिए उत्तर पूर्व नागपुर के लकड़गंज, सतरंजीपुरा, नेहरू नगर और आशीनगर जोन के 28 जलकुंभों की जलापूर्ति बाधित रहेगी। साथ ही 23 नवंबर मंगलवार शाम 7 बजे के बाद मर्यादित जलापूर्ति की जाएगी, ऐसी जानकारी ओसीडब्ल्यू के अधिकारी सचिन रवेकर ने दी। इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने लिए पानी की व्यवस्था करके रखे। महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी द्वारा आने वाले सोमवार यानी 22 नवंबर और मंगलवार यानी 23 नवंबर को कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र का 30 घंटे का शटडाउन लिया गया है। इस शटडाउन के दौरान पीली नदी के तहत 4 मीटर की 1300 mm की पाइपलाइन डालने का है। साथ ही साथ में बस्तरवारी पे एक बहुत बड़ा लीकेज है, उसको बंद करना है। उसके साथ में कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र के काफ़ी जो तकनीकी मेंटेनेंस के काम है वो भी करना है। इन कामों के लिए ये 30 घंटे का शटडाउन लिया है। इस शटडाउन के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत नगर चौक पर एक इंटरकनेक्शन का भी काम करने वाली है। इन शटडाउन के द्वारा नागपुर शहर के आशीनगर, लकड़गंज, नेहरू नगर और सतरंजीपुरा जोन, ये 4 जोन में की करीब करीब 28 टंकियां बाधित रहने वाली है। उस वजह से लोगों के घर में पानी नहीं आएगा। नागपुर महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी वाटर सभी नागरिकों से विनती करती है कि कृपया अपने और अपने परिवार की उपयोगिता के लिए पानी स्टोर करके रखें। धन्यवाद। स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर के अन्नत्याग आंदोलन को स्थगित किया गया। पालक मंत्री राजेश शिंगणे के आश्वासन देने के बाद तुपकर ने आंदोलन पीछे लिया। सोयाबीन और कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग के लिए स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने बुल्ढाना में अन्नत्याग आंदोलन शुरू किया था। शनिवार को राज्य के अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री व बुल्ढाना जिले के पालक मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे ने रविकांत तुपकर से मुलाकात की, साथ ही कपास सोयाबीन उत्पादक किसानों की समस्या सरकार के सामने रखने की बात कही और इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के साथ बुधवार 24 नवंबर को बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में मांगे रखने का आश्वासन पालक मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे ने दिए, जिसके बाद रविकांत तुपकर ने अन्नत्याग आंदोलन तुरंत ही स्थगित कर दिया। डॉ. राजेंद्र शिंगणे के हाथों ज्यूस पिलाकर आंदोलन खत्म किया गया। गेल्या 17 तारखेपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माननीय रविकांतजी तुपकर हे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भात नागपूरला अन्नत्याग या माध्यमातून उपोषणाला बसलेले होते। संपूर्ण अन्नत्याग 17 तारखेला ते बसल्यानंतर नागपूर विभागातल्या प्रशासनाने त्यांना बळजबरीनं त्यांना बुलढाण्याला इथे हलवलं आणि बुलढाण्याला घरी सोडून गेल्यानंतर त्यांनी घरात न जाता शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आपलं अन्नत्याग आंदोलन मागील 2-3 दिवसापासून इथं सुरू केलेलं होतं। शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या, त्यातल्या त्यात सोयाबीनचे पडत चाललेले भाव, कापसाचे पडत चाललेले भाव, पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होत असणारी लूट, त्याला पीक विम्याचे पैसे भरून सुद्धा त्याला पीक विम्याचे पैसे न मिळणे, विजेच्या बाबतीमध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना पैसे भरून त्यांची स्वतंत्र DP त्या ठिकाणी न मिळणे, अशा अनेक विविध प्रश्नाच्या बरोबरीनं त्यांचा या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भातला अन्न त्यागाच्या माध्यमातून लढा इथे चालू होता। मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्यानं वेळोवेळी प्रशासनाच्या आणि त्यांच्या संपर्कामध्ये होतो। आज सकाळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांच्याबरोबर माझी सविस्तर अशी चर्चा माननीय रविकांतजी तुपकर यांच्या विषयाच्या संदर्भात झाली। जवळपास 20 मिनिटं आम्ही चर्चा केली। माननीय अजितदादांनी मला सांगितलं की तुम्ही राज्य शासनाच्या वतीनं माननीय रविकांतजी तुपकर यांच्याकडे जा, येत्या बुधवारी त्यांच्या ज्या विविध विषय, त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत शेतकऱ्याच्या संदर्भातल्या, त्या संदर्भातली मुंबईमध्ये बैठक मंत्रालयामध्ये आपण लावू। या बैठकीच्या निमित्तानं त्या त्या विषयाची संबंधित असणारे मंत्री, त्या त्या विषयाच्या संबंधित असणारे अधिकारी यांना संयुक्त आपण त्या ठिकाणी बोलू आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असणारे सर्व विषय ते सोडवण्याचा प्रयत्न आपण करू आणि केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या विषयाच्या संदर्भात माननीय पवार साहेब जे आमचे राष्ट्रीय नेते आहेत त्यांनी सुद्धा या संदर्भातली दखल त्या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि मला पूर्णपणे खात्री आहे की रविकांतजी तुपकर यांनी उपस्थित केलेले सर्व शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाच्या संदर्भात लवकरात लवकर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, विशेषतः सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुद्धा
योग्य न्याय मिळेल हा विश्वास सुद्धा मला आजच्या या बैठकीच्या निमित्ताने व्यक्त करायचा आहे. तीन कृषि कानून वापस लेने के निर्णय के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विजय दिवस मनाया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन कृषि कानून पीछे लेने का निर्णय लेने के बाद कांग्रेस द्वारा देश भर में विजय दिवस मनाया गया. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी विजय दिवस मनाया गया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन कृषि कानून पीछे लेने की घोषणा करते ही दादर के तिलक भवन कार्यालय में जल्लोष किया गया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर विजय दिन मनाया. इस दौरान कांग्रेस के नेता नसीम खान, चंद्रकांत हांडोरे समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे. राहुल जी ने उसी समय देश के लोकसभा में कहा था, मोदी जी से मांग की थी कि एक कायदा काला कानून जो किसानों के खिलाफ आपने बनाया है, इससे इस देश का किसान ध्वस्त होगा, ये काला कानून वापस लो. कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे एक साल से जगह जगह पे आंदोलन कर रही है और पूरे देश के जो किसान है, किसान यूनियन है, सारे लोगों ने जिस तरह से दिल्ली के अगल बगल के बॉर्डर पर एक साल से चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, उसमें जो आंदोलन चला रहे हैं, इसमें 700 से ज्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, अपना त्याग देना पड़ा है जान का, आज उनको श्रद्धांजलि हम लोग देते हुए ये किसानों की विजय है. और राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो विपक्षी एकता तैयार करके विपक्ष को साथ में लेके जो मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ एक लंबी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने देश में लड़ी है किसानों को समर्थन देने के लिए, आज ये उसका विजय है. और आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पाटोले जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर खुशी मना रहा है. लेकिन असली खुशी हम लोगों को तब होगी जिस वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. औरंगाबाद में पत्नी पीड़ित पुरुष आश्रम में 19 नवंबर को विश्व पुरुष दिवस मनाया गया. इस दौरान आश्रम के सभी पुरुषों ने कार्यक्रम में भाग लेकर अपने विचार रखे. आठ मार्च को विश्व महिला दिवस चारों ओर मनाया जाता है. सभी सरकारी, निजी कार्यालय, बाहर घर में महिला दिवस मनाया जाता है. इसकी तुलना में विश्व पुरुष दिवस नहीं के बराबर मनाया जाता है. ये महिला पुरुष में किया जाने वाला भेदभाव मिटाने के उद्देश्य से औरंगाबाद के पत्नी पीड़ित पुरुष आश्रम में शुक्रवार को विश्व पुरुष दिवस मनाया गया. इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में पुरुषों ने हिस्सा लेकर अपने विचार रखे, साथ ही बताया कि महिलाएं आगे बढ़ रही है, महिलाएं अब अबला नहीं रही, लेकिन महिलाओं ने पुरुषों को अबला बना दिया है. ऐसे विचार पत्नी पीड़ित पुरुष आश्रम के पुरुषों ने रखे. साथ ही पत्नी द्वारा पति को प्रताड़ित करने पर क्या करना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा की गई.
आज जागतिक 19 नोव्हेंबर हा जागतिक पुरुष दिवस आहे आणि या जागतिक पुरुष दिनानिमित्त आज आम्ही आश्रमात पुरुष दिन साजरा केला। ते पुरुष दिन साजरा करते वेळेस आम्ही शीर्षासन आंदोलन केलेलं आहे। या शीर्षासन आंदोलन करण्यामागचा उद्देश आमचा असा आहे का पुरुष जिथं गेला तिथं त्याला मदत मिळत नाही आहे। पोलीस स्टेशनला गेला तर पोलीस मदत करत नाही, न्यायव्यवस्थेकडे न्याय मागण्यासाठी गेला तर न्यायालय पुरुषांची बाजू ऐकून घ्यायला तयार नाही आहे। त्यांची मानसिकता तशी राहिली नाही का पुरुषांना न्याय द्यावा, जर अशी मानसिकता जर सगळीकडे चाललंय तर हे सगळं उलटं चाललंय। म्हणून आम्ही आज हे केलेलं आहे की हे उलटं आहे, म्हणून आम्ही सुद्धा कमीत कमी नाही सोयीचं ऐकू लागले तर उलटं व्हा, म्हणून आम्ही हे उलटं होऊन आज आंदोलन केलेलं आहे का सोयीनं ऐकलं नाही तर उलटं तरी झालं तर ऐकतील। आमचं कुठल्या तरी पद्धतीनं शासनानं ऐका का पुरुषावर अन्याय होतोय, आपण पुरुषावर अन्याय होतोय याच्याकडे जर दुर्लक्ष केलं तर नक्कीच पुरुष संपुष्टात येईल आणि पुरुष संपुष्टात आला तर आपली विवाह पद्धत आहे ही कुठंतरी धोक्यात येत आहे आणि आलेली आहे। याच्यासाठी शासनाने वारंवार आम्ही याच्यासाठी आंदोलन करतोय, प्रत्येक गोष्ट करतोय, पण प्रत्येक वेळेस ही बाज पुरुषावर होणारा अन्याय जो आहे तो कुठंतरी दुर्लक्षित म्हणून ठरला जात आहे। म्हणून याच्याकडं कोणी दुर्लक्ष करू नये, माणसावर अन्याय होतो, माणसावर अन्याय झाला तर तो समोर यायचं नाही, कारण एवढं आहे का माणूस इज्जतीला घाबरू लागला, इज्जतसाठी तो माणूस समोर येत नाही। परंतु माझं प्रत्येक पुरुषाला, प्रत्येक पीडित पुरुषाला हे माझं आव्हान राहील का त्यांनी तुमचा आवाज जनतेपर्यंत समोर शासनापर्यंत जाऊ द्या। अमरावती जिले के बस्ती में शस्त्रों का जखीरा रहने की बात पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने कही, साथ ही उन्होंने हथियार को जब्त करने की भी बात कही। अमरावती में हुए हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अभी चारों ओर शांति रहने से कर्फ्यू में शिथिलता लाई गई है। ऐसे में भाजपा नेता व पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने इंटरनेट सेवा शुरू करने पर स्वागत किया, लेकिन कहा कि अमरावती जिले में कई बस्तियों में हथियार, तलवार, चाइना चाकू, भाले और कुल्हाड़ी रखी हुई है, पुलिस ने ये सब जब्त करना चाहिए। डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि अपराधियों को आशीर्वाद देना अब रुकना चाहिए, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 2 दिवसाच्या अगोदरच पत्रकार परिषद घेऊन मी सांगितलं होतं की संमिश्र वस्ती असलेल्या भागामध्ये गस्त जास्त वाढवावी, पोलीस फोर्स वाढवावा, परंतु संपूर्ण शहराला वेठीस धरू नये, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करू नये, व्यापार बंद करू नये आणि त्याला प्रतिसाद देऊन शासनाने संचारबंदी उठवली त्याचं मी स्वागत करतो। कायदा सुव्यवस्थेसाठी रात्रीची संचारबंदी असेल तर ते योग्य आहे आणि नेटबंदीसुद्धा उठवली ते महत्त्वाचं होतं, कारण विद्यार्थी किंवा वर्क फ्रॉम होम करणारे यांचा मोठा जीवाभावाचा तो प्रश्न होता। परंतु यासोबतच अनेक शस्त्रसाठा काही वस्त्यांमध्ये आहे, काल अंजनगाव सुरजीलासुद्धा पकडल्या गेलं आणि तो शस्त्रसाठा, पेट्रोलचे साठे किंवा चायना चाकू, कुराडी, भाले, तलवारी या सगळ्या गोष्टी जप्त होणं अतिशय आवश्यक आहे। लाँग टर्म शांततेकरता जे ड्रग माफियासारखे गांजा विकणारे आहेत किंवा गुटखा किंग आहे, वाळूची तस्करी करणारे आहे, त्यांच्याच अवैध धंद्याच्या भरोशावर ह्या गोष्टी होतात आणि त्यामुळं त्यांना आशीर्वाद देणाऱ्यांनी आशीर्वाद देणं थांबवावं। पोलिसांनी सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय ही भूमिका प्रामाणिकपणे वठवावी आणि या अवैध धंद्यावर बंदी ठेवली तर अमरावतीमध्ये दीर्घकाळापर्यंत शांतता प्रस्थापित होऊ शकते। जलगाव में बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा एसटी कर्मचारियों के समर्थन में जेल भरो आंदोलन किया गया, इस दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकारी उपस्थित थे। विरोधी पक्षांचा पण विरोध, विरोधी पक्षांचा पण निषेध। एसटी खासगीकरण थांबले पाहिजे, थांबले पाहिजे। बीते 13 दिनों से जलगांव में एसटी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। इन एसटी कर्मचारियों की हड़ताल को कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया। जलगांव बस स्टैंड पर बहुजन मुक्ति मोर्चा द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया। एसटी कर्मचारियों की मांगे जल्द से जल्द पूरी करें, अन्यथा बहुजन मुक्ति मोर्चा द्वारा संपूर्ण राज्य भर में आंदोलन करने का इशारा बहुजन मुक्ति मोर्चा द्वारा दिया गया। और हमारा जो आंदोलन है राज्य सरकार के खिलाफ है। राज्य सरकार ने जो तकिल बिल माफ़ करने को होना, इसके बारे में हमने 4 चरम के अंदर वो आंदोलन किया है। इसके पहले भी हमने तीन आंदोलन लिए हैं और उसके हमने निवेदन भी दिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए आज हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इसके चौथा टप्पा जो है हमारा 7 तारीख को है, 7 दिसंबर को, जो ऊर्जा मंत्री के घर को हम घेराव करने वाले,
और हमारे जो एसटी भाई है, एसटी कर्मचारी है, उनकी भी मांगे पूरी करनी चाहिए। उनके समर्थन में आज हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। वर्धा के तुकड़ोजी वार्ड में तुलसी माता को साड़ी पहनाकर एक दुल्हन की तरह सजाया गया और धूमधाम से माता तुलसी की शादी रचाई गई। वर्धा के स्थानीय तुकड़ोजी नगर वार्ड क्रमांक 6 के नागरिक बीते 11 वर्ष से सामूहिक तुलसी विवाह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान सभी ने तुलसी माता का दुल्हन की तरह श्रृंगार किया, उन्हें साड़ी पहनाकर श्री कृष्ण भगवान के साथ तुलसी माता की शादी रचाई। इस दौरान सामूहिक रूप से महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। सभी नागरिकों ने मिलकर धूमधाम से सामूहिक तुलसी विवाह किया और एक दूसरे को बधाई देते हुए एक साथ खुशी मनाई। दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी आम्ही सामूहिक तुलसी विवाह साजरा केला। उद्देश हा की आमच्या नगरचं नाव तुकडोजी नगर आहे आणि महाराजांचं म्हणणं होतं की या भारतात बंधू भाव नित्य वसू दे, देव वरची असा दे, म्हणजे हा भारत सगळेजण एकत्र आले पाहिजे, प्रेमाने बोलले पाहिजे। महाराजांची कळकळ होती की हा भारत केव्हा एकत्र येईल आणि म्हणूनच त्यांनी सामुदायिक ध्यान, सामुदायिक प्रार्थना सुद्धा सुरू केलेली आहे। आणि आपण तेवढं तर करू शकत नाही, फक्त एकटा करू शकतो, पण या मोहल्यातले लोक, मी आलो तेव्हापासून ही प्रथा सुरू केली आणि मी गुरुदेव मंडळाचा कार्यकर्ता असल्यात नाही हा ही प्रथा सुरू केली। ते आमचे बाहुलीचे गाणे ते सुद्धा असे आमचे सामूहिकच होते आणि ते त्यांचा जो खिरापत म्हणजे नाश्ता म्हणजे तो सुद्धा आम्ही सामूहिकच सगळेजण बसून करतो आणि काल सुद्धा आज सुद्धा। तो आज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।